हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, हम फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पे इतना व्यस्त रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं कि कभी कभी वो हैंग करने लगता है। जैसे आप खोलना चाहो, टैप करना चाहो तो वो ओपन होता ही नहीं। इसकी वजह यह है कि हम ज़्यादा निरंतर उस पर हमेशा लगे रहते हैं। जितने भी लोग, अगर आप कहीं भी जहां 100 लोग इकट्ठा हैं, अगर वहां पे देखेंगे तो 80 लोग कम से कम कोई ना कोई लगा रहता है। अब यही तीन चीज़ों में ज़्यादा, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब। और आजकल एक चलन चला है गेम का, और गेम तो ज़्यादातर बच्चे, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे फेसबुक हो गया या फिर यूट्यूब हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि किस वजह से नहीं होता है। दोस्तों, जब हम कोई ऐप ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें एक अपडेट आता है, क्योंकि जब ज़्यादा हम यूज करते रहते हैं तो व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया फिर यूट्यूब हो गया, वो एक अपडेट देता है, मतलब कुछ नयापन उसमें दे देता है। जो भी उसका वायरस रहता है या फिर उसकी मेमोरी रहती है वहाँ पर जहाँ मेन ऑफिस है, वो भर जाती है, इसलिए वो अपडेट दे देता है। और कुछ नए फीचर भी जुड़ जाते हैं अपडेट में, ठीक है, इसलिए बीच बीच में देता रहता है। अब पुराना वाला आप यूज़ कर रहे हो, कब से हमेशा लगे हो, तो वो ओपन नहीं होता है। अगर ओपन होता है तो हैंग करता है, ठीक है। तो अपडेट देता है, और कई लोगों का भी ये पता भी नहीं रहता कि अपडेट कैसे करें, या अपडेट आया है या नहीं। अपडेट तो कर लेंगे, लेकिन कैसे पता करें कि अपडेट आया है या नहीं। हेलो दोस्तों, आ गए हैं आप सबको लेकर एक बार फिर से अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जैसे कि कभी कभी फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, अगर आप उस पर प्रेस करते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं तो वो खुलता नहीं है। आप शायद सोचते हैं मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, या फिर मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, या फिर मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें कोई कोई ऐसा ऐप होता है जो अपडेट आता है और आप अपडेट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से ऐसा होता है। जब आप उस पर टैप करेंगे तो वो खुलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा मेरा स्क्रीन ख़राब हो गया है, ठीक है। तो ये अपडेट से होता है, अगर आप अपडेट कर देते हैं टाइम पे तो आपका ठीक हो जाता है। और गलती वैसे अपनी भी नहीं रहती, क्योंकि अपडेट आता है तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि अपडेट आया है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर कोई ऐप अपडेट में आया है आपका तो कैसे पता करेंगे, और उससे आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मैं व्हाट्सएप के बारे में बताऊंगा आज कि अगर व्हाट्सएप का अपडेट आया है तो आप कैसे जान सकते हैं कि अपडेट आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम आएंगे प्ले स्टोर में, यहाँ पर इस पर टैप करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम व्हाट्सएप, एक बार मैंने लिखा था, ठीक है, सर्च किया था, तो यहाँ नीचे है, इस पर टैप कर देंगे हम। और ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने व्हाट्सएप लिख कर और सर्च किया तो देखो यहाँ पे अपडेट बता रहा है। अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा, नहीं आया रहेगा, तो यहाँ पे नहीं लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के लिए लिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अपडेट आया है, इसकी वजह से यहाँ अपडेट बता रहा है कि आप व्हाट्सएप को अपडेट करो। ठीक इसी तरह कोई भी ऐप रहेगा, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप है, कोई भी ऐप है आपका, अगर अपडेट रहेगा, यहाँ प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट लिख देगा। और इसी से आप पता कर सकते हैं कि हमारा ऐप अपडेट मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये देखो अभी ये अपडेट चालू हो जाएगा, ठीक है। और जिस हिसाब से आपका नेट रहेगा स्लो फास्ट, उसी हिसाब से जल्दी से हो जाएगा। अगर आपका नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आपका नेट फास्ट है जहाँ पे आप रहते हो जिस एरिए में, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये देखो मेरा भी ये 28 MB का है, और ये मेरा भी 13% लगभग हो चुका है, तो लगभग 1-2 मिनट में ही हो जाएगा। तो अभी देखना, यहाँ पे अपडेट लिख रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे क्या लिखेगा। यहाँ पे अब लिखेगा ओपन करो, मतलब खोलो इसको, ऐसा लिखेगा। तो यहाँ पे हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, तो अभी आ ही जाएगा थोड़े समय में। यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है,
भी हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, पहले लिखा था अपडेट करो और अब देखो बता रहा है कि ओपन करो, यानी हमारा ये व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है। तो मैं जैसे यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ पे हमको व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। ये देखो टैप कर दिया मैंने और ये देखो हम व्हाट्सएप पे पहुँच गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी आपका ऐप जो स्लो चल रहा है या ओपन नहीं हो रहा है या टैप करते हैं तो खुलता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके पता कर लेना चाहिए कि अपडेट तो नहीं मांग रहा है कहीं। अगर अपडेट मांग रहा है तो आप इसी तरह उसको अपडेट कर लो, और अपडेट कर लेंगे तो वहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा।